नमस्कार, मैं हूं रौनक और स्वागत करती हूं अपने चैनल मीडिया दरबार के खास शो खबर छोटे पर्दे से में। टीवी का लोकप्रिय सीरियल नागिन सीजन 5 लोगों को काफी पसंद आ रहा था। इस शो से जुड़ी हर खबर सुर्खियां बटोर लेती थी। अब इस शो से रिलेटेड एक खुलासा सामने आया है। चलिए बताती हूँ आपको क्या है पूरी स्टोरी, इसलिए मेरे इस वीडियो को स्किप ना करें, अब बने रहे लास्ट तक। दरअसल हाल ही में सुरभि ने एकता कपूर से हुई पहली मुलाकात को याद किया है। सुरभि आखिरी बार सीरियल नागिन 5 में नजर आई थी। इस सीरियल में उनके काम की काफी तारीफ भी हुई। सीरियल नागिन 5 टेलीविजन के पसंदीदा शो में से एक था और इस शो की टीआरपी हमेशा से ही टॉप पर रही है। इस शो में सुरभि के साथ शरद मल्होत्रा भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे और इन दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया गया था। सुरभि ने एक इंटरव्यू के दौरान एकता कपूर के साथ हुई पहली मुलाकात का खुलासा किया है। सुरभि ने कहा है वो बहुत अच्छे निर्माता हैं। उन्हें ये यकीन था कि मैं नागिन का किरदार बहुत अच्छे से निभा लूंगी, पर मैं बानी की भूमिका को लेकर कंफ्यूज्ड थी। सुरभि ने बताया कि वो केवल एक बार जूम कॉल के जरिए मिली थी। एकता ने उन्हें बताया कि जो भी करती है वो बानी के रोल के लिए सही है। सुरभि ने कहा उन्हें नहीं पता था कि वो बानी का रोल कैसे निभाएंगी, लेकिन सुरभि ने एकता से वादा किया था वो काम करेंगी बिना किसी रोक टोक के। सुरभि ने ये भी बताया कि वो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि सुरभि एकता को निराश नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि सीरियल नागिन उनके दिल के कितने करीब है, पर सुरभि ने बानी की भूमिका को बड़े ही शानदार तरीके से निभाया है और उनके फैंस ने उनके जमकर तारीफ भी किया है। अब ये शो ऑफ एयर हो चुका है, लेकिन सुरभि ने बानी के रूप में सभी दर्शकों के दिलों में जगह बना ली है। खबर छोटे पर्दे से में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मिलूंगी एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद। We'll be right back.